मुरी मुझे जूते मारता था, तो मैं लिहाजा इंडिया सेफ्टी के लिए आ गई हूँ, तो मुझे आप पनाह दें, मुझे सेफ करें। तो दो चीज जी, मजाक वाली भी बात हो तो मजाक पर एक जवाब दूंगा आपको। हर किसी के पास एपी सिंह साहब है क्या? पहली चीज तो अच्छा, जी तो दोनों दोनों मतलब दोनों चीजें आप बताएं कि संजीदा वाला भी मजाक वाला भी, क्योंकि मतलब क्या उठे की औरत और जाके वो सेव हो जाएगी, इंडिया का कानून उसको कहेगा कि इसको चूंकि वहां जूते पड़ते थे इसलिए यहाँ हम इसको सेव करते हैं, कट सीधा लेते हैं। डिपोर्ट होगी सर, सीधा डिपोर्ट होगी। मेरे मजाक के अंदर काफी बहुत काम की बात कह दी तो टिकट सर जी, मैंने मजाक में काफी काम की बात कह दी, बिल्कुल डिपोर्ट सर सर तो फिर यहाँ तो यही सवाल पैदा होता है कि 6-7 महीने से फिर उसको जी सीधा जी डिपोर्ट क्यों नहीं किया सर? क्योंकि सर उनके साथ एपी सिंह साहब आ गए ना, क्लियरली मैं आपको बताऊं तो मैंने मजाक में तो बहुत काम की सर बात कही। 140 करोड़ नहीं है, 140 करोड़ एपी सिंह नहीं है सर, एक सौ लॉ एपी चालीस सिंह नहीं है। नहीं, वो बात आपकी सही है, वो बात आपकी सही है। अब देखिए कितने बार डिपोर्ट किया गया इंडिया में, ये कोई पहला वो थोड़ी है इलीगल इमिग्रेशन या इलीगल तरह से आना, रेफ्यूजी लेना। काफी लोग आए सर, काफी लोगों को डिपोर्ट किया गया। केरला हाई कोर्ट ने भी कई बार डिपोर्टेशन के ऑर्डर दिए हैं और सब में कहीं ना कहीं सिविल प्रोसीडिंग्स हैं। आप एक चीज देखें अच्छा, जैसे आप एपी सिंह का बता रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा दिन वकीलों से वास्ता रहता है, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं फील्ड में किसी से मुझे डर लगता है तो मुझे वकीलों से डर लगता है, इसके अलावा किसी से नहीं डरता। तो काफी काफी हमारे जो वकील है काफी वो कहते हैं कि बड़े पखराटू टाइप के, मतलब कभी भी कोई सीधा काम करना नहीं उन्होंने ना। अक्सर मुझे दोस्त कहते डरता हैं कि यार LLB कर लो, पूरा दिन तुम्हारा है, वकील आप दो हमेशा बातें कर रहे हैं, पखराटू। आप डर रहे हैं और वकील के सामने आप बात कर नहीं, रहे हैं मतलब मैं तो आज मैं हुज्जत बात कर रहा हूँ, मैं रेस्पेक्ट के लेवल में बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए किसी काम में किसी रंग में भंग डालना है तो वकील आप कर ले, वो बिल्कुल भंग डाल देगा। तो जैसे एपी सिंह की उन्होंने तो मिसाल दी है कि एक जेन्युइन केस है, मियां बीवी का तनाजा है, उसका धर्म चेंज करने का मामला है, लेकिन उसने वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का मसला बना दिया, इंडिया भारत का मसला खड़ा कर दिया। हालांकि ये चीजें तो होती रहती है कि पहला और आखिरी केस तो नहीं है ना सर सीमा, ये तो हमारा होता आया है और होता रहेगा। तो आपने एपी सिंह की मिसाल ठीक दी, लेकिन अकेला एपी सिंह ही तो इंडिया नहीं ना सर। तो आप देखें अभी एक कोई आई है बाहर से मिजोरम से करके, आपने भी सुनी होगी न्यूज, ठीक है, तो उसको रखा गया है अभी करंटली। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल कुमार साहब ये पैदा होता है कि जी क्या इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जी कोई डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से कोई आर्टिकल मौजूद है, जिस तरह से पाकिस्तान में एक आर्टिकल है कि तमाम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और जितने भी हैं उनके इक्वल राइट हैं, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो कोई भी है, चाहे एक ऑर्डिनरी सिटीजन है, उसके इक्वल राइट फंडामेंटल है। राइट्स जी 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 फंडामेंटल राइट। तो ये क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि एक के साथ आप एक को तो डिपोर्ट कर रहे हैं और एक को आप जो है वो सेलिब्रिटी बना रहे हैं या उसको आप प्रमोट कर रहे हैं, तो ये क्या उसका जो फंडामेंटल राइट है उसकी वायलेशन नहीं है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की, कि उसको आप डिस्क्रिमिनेशन उसमें जा रहे हैं? सर, और डिस्क्रिमिनेशन अगर आपने वर्ड एक यूज किया है ना, ये जी वन-साइडेड चीज है। डिस्क्रिमिनेशन के अंदर थोड़ा तो छूट मिलती है इंसान को, ये तो पूरा केस ही वन साइडेड है। सीमा को एक तरह से कह लीजिए सर पे बिठा लिया और बाकी सबको वो कर दिया। जो इसके अंदर बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी फोर्स रहती है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, उन तक को सस्पेंड किया गया। उसके बाद हालांकि चीजें एक्टिव हुई है, बट क्योंकि फिर वही मेरे एक बात कहूंगा सर कि जिस तरह का केस फॉर्म हुआ स्टार्टिंग से लेके अब तक, ये सब इसी का एडवांटेज है। बिकॉज एक बहुत फेमस कोट है, एनीथिंग यू से कैन विल बी यूज अगेंस्ट यू। बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रही है इसके पीछे, इन सब के पीछे बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रही है जी। तो सर ये जो जज्बात के साथ खेलना, माइंड गेम के साथ आगे जाके करना, तो एपी सिंह से ज्यादा क्रेडिट आप सीमा को नहीं देते कि जैसा वो सोचता है उसे भी आगे का कदम करती है वो, मतलब सर उसको गेम क्रेडिट तो में नहीं मैं देना आता, मतलब सर क्रेडिट तो दोनों को बराबर ही देना पड़ेगा। अगर मैं सही बताऊं तो हमें नहीं पता फॉर्म पहले से लिखा हुआ है इसलिए उन्होंने बहन भाई का रिश्ता सही चुना है कि हम दोनों बहन भाई हैं। बात बात सही है, में देने देना है देने वो देने लिहाज से तो वो बिल्कुल बहन भाई है बिल्कुल बहन भाई हैं सर। सर। लेकिन मतलब सर कभी कभी एपी सिंह देखे वकील भी किसी को कितना मशवरा देगा ना सर, आपको खुद पता है कि आपने नेगेटिविटी में जाके पॉजिटिविटी में जाके अपने क्लाइंट को बचाने के लिए सर तोड़ कोशिश करनी होती है, लेकिन वकील की भी एक लिमिट होती है। लेकिन मेरे लिमिट ख्याल में होती जहाँ है एपी जी, सिंह की लिमिट खत्म होती है ना सर, सीमा की लिमिट वहां से आगे शुरू होती है वो, शुरू है ना सर? मतलब जी अगर अगर एपी सिंह को आप क्रेडिट दें जितना भी, मैं कहता हूँ जितनी चालाकी से इस बंदी ने अपने केस को डील किया है शायद दुनिया का कोई बंदा डील कर सकता हो।
सर ऐसे क्रिमिनल लॉयर जितने होने चाहिए, ये बात हम डिनाई नहीं करेंगे, हालांकि कानून भले ही पता ना हो लेकिन उसका माइंडसेट वैसा ही है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात की, बहुत सीरियस मैं टॉपिक, बहुत सर आज सीरियस आज मैं यही तो गुलाम हैदर का इंटरव्यू देख रहा था, वो गिड़गिड़ा के रो रहा है, कह रहे भाई मतलब 9-10 मई को जब ये गई टॉपिक। है तब तक तो हमारी मोहब्बत की शादी और बड़ी सुकून वाली जिंदगी गुजर रही थी, तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, तस्वर भी नहीं कर सकता कि एक औरत जाके इस गेम तक चली जाएगी। बाकी और भी लफड़े होते रहते हैं लेकिन इस वाला जो लफड़ा है ये शायद ही तारीख मिटा पाए कभी इस मामले को, कि इतनी इस हद तक आगे और चली जाएगी और तहस नहस कर देगी, आदमी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि अभी तक मेरे से मोहब्बत थी और अगले लम्हे किसी और से मोहब्बत हो गई और वो मोहब्बत भी एक हिस्ट्री पुरानी थी। क्रिएट हुई है सर, शायद सर बहुत बहुत डीप बात कर रहे हैं आप, ये एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है इतिहास के अंदर, याद किया जाएगा ऐसा एक मामला हुआ था। जी मतलब आप लोग तो लॉयर्स हैं जाहिर है, और भी केसेस आएंगे तो आप तो हवाला देंगे, जी हमारे पास वो नेपाल से बंगाल से फलां जगह से एक औरत आई है तो सीमा को भी तो रखा था, वो पाकिस्तान से आई थी, वो तो दुश्मन देश से थी, आप लोग कहेंगे ना अपनी अदालतों में हवाला दिया करेंगे, तो उसको भी तो रखा था, उसने यूट्यूब चैनल भी चलाया था, वो ढूंढ के भी अच्छा लगा एक थी। बात, एक मैं बात पूछना चाहूंगा लोकेंद्र साहब से, कि जी वो एक एक खातून कराची से आई 62 ईयर ओल्ड की लेडी, उनका नाम है मेरे ख्याल से सोफिया है, और उसके 12 साल के बच्चे के साथ सिलगुड़ी जो वेस्ट बंगाल के उसके बॉर्डर से आ रही थी उसको पकड़ के 7 दिन के लिए अंदर किया, उसके बारे में कुछ मालूम है क्या? मैंने सुना है कि कोई सिलीगुड़ी एरिया से कोई करके आ रही थी, उसको अंदर किया और इसमें बकायदा पूरी कार्रवाई की। तो देखिए वो एक मिनट सर, वो भी इलीगल आई है तो उसको 7 डेज के लिए अंदर किया, अभी क्या स्टेटस है और उसका? इसको तो 2 दिन में बेल मिल गई, तो ये डिफरेंस ऑफ जस्टिस सिस्टम क्यों है भैया? अभी करंट स्टेटस क्या है उसका? वो हमें नहीं मालूम है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उस खातून को क्या हुआ, उसको अभी भी जेल में है या डिपोर्ट किया, कि आप कुछ मालूमात करेंगे सर हमारे लिए? सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चन सर बिल्कुल करेंगे, उसमें कोई सर वो बात नहीं उसके लिए है। जरा मालूमात करो कि वो औरत का क्या हुआ। अच्छा शायद ये कोई अच्छा ऐसे ऐसे जज साहब मामले उठ के आ रहे हैं अच्छा अच्छा साक्षी जी आए, साक्षी जी को ऐड करो। सर, जी मुझे तो शर्म आ रही है मेरे को नमस्कार, यार, यहाँ पे मैं इंडियन लॉयर अपने आपको बोल रहा हूँ और जिस तरह की बातें यहाँ पे चल रही है आज इंटरनेशनल, आप सब इतने रेस्पेक्टेड लोग हैं और आप सबके सामने बैठ के मेरे को ऐसा सुनना पड़ रहा है, मेरे को तो यहाँ पे शर्म आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ इस तरह से, सर मतलब यहाँ मेरे सर को इन लोगों को सर डिफेंड करना सर पड़ेगा, क्यों फिर से आप? एक रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आपको आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, आप इंडिया में हैं, वो औरत का नाम कुछ सोफिया ऐसा कुछ है, वो कराची से आई, उसके बारे में हमें कुछ बताइए, हम उसके लिए बहुत हम इंतजार करते कि उसका क्या हुआ, क्या उसको डिपोर्ट किया, क्या उसको जेल में रखा, क्या उसके बच्चों को क्या हुआ, वो हमें सब हम जानने की बहुत जरूरत है। जिसको भी इंडिया में जो भी सुनता है हमारी बात भाई हमें उसके बारे में बताइए। मर्चेंट साहब आपने कहा अभी 7 दिन के लिए जेल में रखा, फिर अभी आपको उसका स्टेटस नहीं पता, 7 दिन बाद क्या हुआ? 7 दिन हो गया पूरे अच्छा अभी तक 7 दिन हो गए हैं सर। कंप्लीट हो गया, 7 दिन के आज 10वां दिन चल रहा है लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं आया। एक मिनट मर्चेंट साहब, साक्षी मैडम का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है कि उसे डिपोर्ट कर दिया गया। जेल जेल भेज जेल दो, भेज दो, सुनो एक वो कहीं मिनट जेल भेज दो। सर, साक्षी मैडम ने कहा उसको रिपोर्ट किया तो फिर सीमा हैदर को इतना क्यों, सीमा हैदर को इतना प्रिविलेज क्यों मिल रहा है, ये क्या जस्टिस सिस्टम की मजाक नहीं है सर? सर मैं तो वही कह रहा हूँ, बीइंग एन इंडियन लॉयर मेरे को यहाँ पे मेरे लॉ को डिफेंड करना पड़ रहा है, कुछ भी बोल के मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो खुद इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तो आई एम फिर एक डेफिनेट बात सुनिए, मैं शुरू से बोल रहा हूं कि इंडिया में अभी जो कानून है उसका कोई पालन नहीं हो रहा है, ये मेरी बात तो सच निकली ना सर? अच्छा सर कुमार साहब, सर एक चीज फरमाइएगा कि जैसे ये जो आप बता रहे थे कि चार्जशीट नहीं उसके खिलाफ एटीएस ने दी या पुलिस ने, तो वो जो एफआईआर थी
उसको क्रिमिनल से सिविल कोर्ट में भेज दिया गया, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन है सर क्या? नहीं, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। मैंने जिस ग्राउंड पे चीज कही है, सिविल का मामला जिस ग्राउंड पे मैंने ये चीज कही है, वो इस ग्राउंड पे कही है कि एक तो ये कहा गया कि भाई ये जो स्पेसिफिकली ये सीमा आई है उसका मेन रीजन है कि ये प्यार के अंदर आई है, ठीक है। दूसरा जो ग्राउंड है, दूसरा ग्राउंड यहाँ पे ये दिया गया कि भाई सीमा के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस किया गया था, सीमा बहुत ज्यादा परेशान थी, और इन्होंने जो है इन्होंने किसी एक स्पेसिफिक मंदिर में जाके शादी कर ली, जो नेपाल के अंदर हमारा मंदिर है वहां पे जाके शादी कर ली पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर, हालांकि उस चीज